नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान अपने विषय व्यवहारवाद पे अपना व्याख्यान दे रही हूँ। व्यवहारवाद की विशेषताएं हमने कर ली हैं, पर एक बार दोबारा व्यवहारवाद को हम समझ लेते हैं ताकि हम इसकी आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहली बात, व्यवहारवाद की शुरुआत द्वितीय महायुद्ध के पश्चात हुई। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात या महायुद्ध में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें यह माना गया कि समाज विज्ञानों में जो राजनीति विज्ञान है वह उस महायुद्ध के बारे में ना तो भविष्यवाणी कर पाया और ना ही किसी प्रकार का कुछ निर्णय दे पाया कि आखिर युद्ध क्यों हुआ था। तो ऐसे में यह माना गया कि शायद हमारी अध्ययन पद्धति में कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से हम ये नहीं बता पाए कि हम द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी काल में समाज विज्ञानों को विज्ञान बनाने की भी एक होड़ चल पड़ी जिसमें राजनीति विज्ञान में भी कुछ ऐसी पद्धतियों को शामिल किया गया ताकि राजनीति विज्ञान को समाज विज्ञान के साथ साथ एक विशुद्ध विज्ञान बनाया जा सके, जिसमें हम व्यवहारवाद के जिसमें सबसे पहली कोशिश जो की गई वह व्यवहारवाद के रूप में हमारे सामने सम्मुख आती है। तो व्यवहारवाद परंपरागत जो राजनीति विज्ञान था उसके विरुद्ध एक आंदोलन था और उस आंदोलन में हमने उसको राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की कोशिश की और इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई, इसीलिए इसे शिकागो संप्रदाय भी कहा जाता है। 1908 में ग्राहम वाल्स, ऑर्थर बेंटले, 1925 में चार्ल्स मेरियम, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को लाने की कोशिश की। इसके अलावा दो निजी संस्थाएं थी, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, इन्होंने भी व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया और उन्होंने अपने कुछ शोध पत्र भी निकले जिसमें पब्लिक ओपिनियन, अमेरिकन बिहेवियरल साइंस, पॉलिटिकल बिहेवियरल, क्वार्टरली वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये कई शोध पत्र थे जिसमें ये इंगित हुआ कि अब अध्ययन की उकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति का व्यवहार होंगी। और आधिकारिक विद्वान जो व्यवहारवाद के माने जाते हैं वे हैं डेविड स्टन। डेविड स्टन ने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद को परिभाषित किया और इसके पश्चात डेविड स्टन ने ही कुछ विशेषताएं भी व्यवहारवाद की बताई जो कि नियमन, सत्यापन, पर्यवेक्षण, मूल्य, निरपेक्षता और व्यवस्थीकरण, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण, ऐसी 8 बौद्धिक आधारशिलाएं व्यवहारवाद की बताई गई हैं। अब चूंकि ये व्यवहारवादी आंदोलन अपने आप में चरम सीमा पर था पर कुछ समय काल परिस्थिति के बाद ही इसमें भी कुछ कमियां नज़र आने लगी। इन कमियों में जो अगर हम माने कि व्यवहारवाद के जो कट्टर आलोचक हैं वे परंपरावादी राजनीति शास्त्री ही रहे जिसमें लियो स्ट्रॉस, क्रिश्चियन बे, एरिक ब्रॉगलिन, ऐसे अनेक कमियों को स्पष्ट किया है जिनमें मेलफोर्ड सिबली ने अपने एक लेख द लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद की सीमाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले सीमाओं के उल्लेख में मूल्यों की उपेक्षा, मतलब व्यवहारवाद की अगर आप कमी माने तो सबसे बड़ी कमी व्यवहारवाद की यही रही कि व्यवहारवाद ये चाहता था कि राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन किया जाए वह मूल्य निरपेक्ष अध्ययन हो। मूल्य निरपेक्षता का अभिप्राय ये है कि जो भी शोधार्थी जिस भी विषय पर अध्ययन कर रहा हो उस अध्ययन में वह अपनी भावनाओं, अपने आदर्शों को अध्ययन में सम्मिलित नहीं करेगा।
जबकि अगर हम देखें तो जब व्यक्ति शोध का चयन करता है, विषय का चयन करता है, तभी वह अपने मूल्यों के यानी अपने पसंद नापसंद के आधार पर ही विषय का चयन करता है। ऐसे में व्यवहारवादी मूल्यों की उपेक्षा करने की बात कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर है व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के पक्ष में है, जबकि ये संभव नहीं है। हम कोई किसी प्रकार से विज्ञान बनने की कोशिश करें कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर पानी बनाएंगे, इस प्रकार के नियम व्यक्ति के व्यवहार पर लागू नहीं होते हैं, राजनीति में लागू नहीं होते। अगला है व्यवहारवादी नियमितताओं पर बल देते हैं, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने की बात कहते हैं, जो कि सही नहीं है। फिर है व्यवहारवादी तथ्यों को एकत्रित करने में इतने अधिक उलझ जाते हैं कि वे वास्तविकता से ही दूर हट जाते हैं। मतलब आप डाटा कलेक्शन में इतने बिजी हैं कि आप जो आपके अध्ययन का उद्देश्य था उसको ही पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ व्यवहारवाद में कुछ ऐसा शब्दों का आडंबर भी है, जो कि कुछ ऐसे शब्द शामिल किए गए हैं जो एक साधारण मनुष्य के लिए तो समझना ही बहुत मुश्किल है। तो इस विचारधारा को इस वजह से भी इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पुट डालने के एवज में जो विषय की सार गर्भिता है वह ख़त्म कर दी गई है। फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद इस क्रांति का महत्व है, निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान के स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन व्यवहारवाद के पश्चात ही हुआ। इस क्रांति ने राजनीतिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, जो अभी तक राजनीति विज्ञान में नहीं था, उसको भी शामिल किया गया, और एक आधुनिकता और अनुभववाद का पुट जो था वो भी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के बाद ही हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।